सभी हिंदुओं को जय श्री राम। साथियों, हिंदुओं को इसलिए बोला क्योंकि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुओं के लिए संदेश है और मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ, अपने विचार रख रहा हूँ, इसीलिए सभी हिंदुओं के लिए मैंने इस बार वीडियो की स्टार्टिंग करी है। साथियों, होली का त्यौहार था, रातों रात खबर आती है कि फलानी जगह पे असामाजिक तत्वों ने होली के त्यौहार में हिंदुओं के साथ बदतमीजी करी। रातों रात व्हाट्सएप स्टेटस पर फैल जाती है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर खबर फैल जाती है। पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे पढ़े लिखे लोग, आपके जैसे पढ़े लिखे लोग, हिंदू भाई हमारे सारे भाई बहन सब वीडियो और स्टेटस दबा कर लगाते हैं। उसमें महिलाओं की वीडियो थी कि वो बोल रही हैं हमारे साथ गलत हुआ, लगाते हैं दबा के, कोई भी देखना नहीं चाहता कि पूरा सच क्या है। उसके बाद रातों रात एक वीडियो आती है, राजस्थान में फला सरकार ने राम द्वार को गिरा दिया, हिंदू विरोधी ये वो फलाना ढिमकाना। फिर वही होता है, व्हाट्सएप स्टेटसों पे लगती है, स्टोरियां लगती है, फेसबुक पे लगती है, और आपके जैसे हमारे जैसे भाई लगाते हैं फिर से। फिर एक दिन खबर आती है, लव जिहाद हो गया, फला जगह पे मुसलमान लड़के ने हिंदू की लड़की को पटाया और उसको शादी का ना शादी के इनकार करने पे मार के सूट केस में ले जा रहा था, पकड़ा गया। फिर हमारा हिंदू जाग जाता है, रातों रात हम व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और दबा के फैलाते हैं, जितने ग्रुप हो सकते हैं उसमें भेज सकते हैं। हिंदू जागा हुआ होता है हमारा, पढ़ा लिखा आदमी सोया हुआ होता है, हिंदू जागा हुआ होता है उस समय पे हमारा। होता क्या है असलियत में? असलियत में ये होता है कि होली वाले दिन दो पक्ष आपस में लड़ जाते हैं, एक पक्ष हिंदू होता है, दूसरा पक्ष भी हिंदू होता है। गलती जिस पक्ष की होती है उसे असामाजिक तत्व कह के न्यूज में डाल दिया जाता है और हम असामाजिक तत्व से सीधा मुसलमानों को रिलेट कर लेते हैं और हमारा हिंदू जाग जाता है तुरंत, और हम तुरंत लग जाते हैं अपने काम पे, व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, ग्रुपों में भेजो। राजस्थान में राम द्वार गिरा, पता लगा राजस्थान में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है भाई, चलो भाई लगाओ फटाफट, कांग्रेस विरोधी है, हम हिंदू हैं, हम ना भाजपा से हैं, कोई बहुत सारे ऐसे होते हैं जो भाजपा से भी नहीं होते, बस कांग्रेस विरोधी हैं क्योंकि वो मुसलमानों का पक्ष लेती है, इसलिए लगाओ स्टेटस जितना दबा के लगा सकते हैं ताकि ये जो हिंदुओं के खिलाफ काम हो रहा है ये बंद होए। पता चलता है भाई वो तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो हमारी कंपनी है NHAI वो गिरा रही है और वो तो केंद्र सरकार के अधीन आती है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। फिर हमारा हिंदू का बेवकूफ बन जाता है, फिर रातों रात हम स्टेटस लगाते हैं हिंदू लड़की मार दी, लव जिहाद हो गया, ये हो गया, पता चलता है भाई लड़की तो मुसलमान ही थी, फिर हमारा बेवकूफ बन जाता है। तो साथियों, जो हमारा बेवकूफ बन रहा है, ये सिलसिलेवार तरीके से बन रहा है, ये एक षड्यंत्र के तहत बनाया जा रहा है, ये हिंदुओं का ही क्यों बन रहा है? पढ़ा लिखा हिंदू, समझदार हिंदू, ज्ञानी हिंदू, फिर भी बेवकूफ हिंदू का ही बन रहा, और हिंदू बन रहे हैं बेवकूफ। इतने पढ़े लिखे हम, फिर भी हम ये नहीं चेक करते कि भाई पूरी डिटेल चेक करो इसकी। इतने पढ़े लिखे हम इतने कॉलेजों में बढ़िया बढ़िया जगह पे हम पढ़ रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा हमारा चल रहा है, फिर भी हम ये नहीं देखते कि फैक्ट क्या है, फैक्ट चेक करो पहले। और वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, जिसकी हवा फैल रही है उसी को फैलाने में लग जाते हैं, झूठ को फैलाने में लग जाते हैं। हम कोशिश ही नहीं करते कि एक बार चेक करो ये झूठ है या सच है। हिंदू हिंदू होने का मतलब ये थोड़ी ना है यार कि तुम कुछ भी बात आए लगाओ स्टेटस पे दबा दबा के। हिंदू होने का मतलब ये है कि आप ज्ञानी व्यक्ति हो, आपको अकल होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि आपका बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको एक क्रमबद्ध तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपको एक षड्यंत्र के तहत बेवकूफ बनाया जा रहा है, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है और उसका यूज राजनीतिक रूप से लिया जाता है, समाज में एकता को तोड़ने के रूप से लिया जाता है। अब देखो क्या हुआ, होली पे जो लड़ाई हुई दोनों हिंदुओं में हुई, खिलाफ किसके पोस्ट डले, खिलाफ किसके स्टेटस लगे, मुसलमानों के। राजस्थान में जो सरकार है वो कांग्रेस की है, लेकिन राम द्वार किसने तोड़ा, NHAI यानी केंद्र सरकार ने तोड़ा। क्यों तोड़ा, सड़क चौड़ी हो रही है, बड़ा बनाने के लिए तोड़ा, लेकिन काम क्या हुआ, काम वही हुआ, हमारा हिंदू जाग गया जरा सी देर में और पढ़ा लिखा आदमी सो गया और हमने लगाया स्टेटस दबा के, फिर बेवकूफ हिंदुओं का ही बना। इसी प्रकार कल की घटना, लड़का भी मुसलमान, लड़की भी मुसलमान, हमें क्या दिखाया गया कि भाई लड़की हिंदू है, जब लव जिहाद हो गया हो गया, लास्ट में क्या हुआ, लड़की भी रमशाल निकली, मुसलमान है, और फिर हमारा हिंदू का पागल बन गया।
ये अलग विषय है कि दो हिंदुओं में लड़ाई हुई, वो गलत है। जो असामाजिक तत्व है वो गलत है, उनकी जगह जेल में है। राम द्वार गिरा वो भी गलत है भाई, उसको मूर्ति को हटाकर बनाया जा सकता था, उसको गिराया जा सकता था, और कत्ल किया इस मुस्लिम लड़के ने, ये भी गलत है, सजा होगी इसको भी, कानून अपना काम करेगा। लेकिन आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? आपको अपना काम करना है, आप पहले बात की जड़ तक जाया करो। हमारी आज ये स्थिति हो गई है, जब भी तो हमें कोई भी न्यूज वाला आके बता देता है कि 2000 के नोट में चिप है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रातों रात नमक महंगा हो जाता है, हम लाइनों में लग के नमक खरीदने लग जाते हैं। इन्हीं चीजों को देखकर तो हमें इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें रेगुलर तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम बनते जा रहे हैं। हिंदू एक मात्र शब्द नहीं है, एक मात्र हम समुदाय नहीं है, एक मात्र हम लोग नहीं है, हिंदू बहुत बड़ा शब्द है। हिंदू एक अपने आप में एक दुनिया है, और आपको उस दुनिया को समझना है। आप उस दुनिया को इतना छोटा मत समझो कि आप एक छोटी सी अफवाह में फैल जाते हो, आप एक छोटी सी अफवाह में अपने सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाते। साथियों, गलत को गलत हर कोई कह देता है, सही को सही हर कोई कह देता है, लेकिन आप गलत को गलत कहना सीखो। हमारा हिंदू धर्म कहां पिछड़ रहा है? इसी जगह तो पिछड़ रहा है। हमें अपने धर्म का नहीं पता, हमें अपने ज्ञान का नहीं पता, और हम बस चले हैं भेड़ चाल। उसने स्टेटस लगा दिया, भाई मुझे भी दे, मैं भी लगा रहा हूं, मेरा भी हिंदू जाग गया, पढ़ा लिखा आदमी सो गया, हिंदू जाग गया। हिंदू को जगाओ, धर्म के प्रति जगाओ, अपने धर्म को समझो, अपनी मान्यताओं को समझो, अपनी संस्कृति को समझो। हमारी क्या संस्कृति है, उस संस्कृति पे चलो, अपने आप हिंदू मजबूत हो जाएगा। और मजबूत है हिंदू, मैं नहीं मानता कहीं भी हिंदू मजबूत है, हिंदू को किसी से खतरा नहीं है। सिर्फ उसी को हिंदू से खतरा है जिसका हिंदू बीजेपी से शुरू होता है, उसी के हिंदू को खतरा है। आप समझो मेरी बात को, मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताओ मैं कहां गलत बोल रहा हूं, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो इस बात को आगे बढ़ाओ। और जो सच्चे हिंदू हैं, जो असली हिंदू हैं, वही इस वीडियो को देखें, और जो भाजपा के हिंदू हैं और जो हिंदू मुस्लिम कहलाने वाले हिंदू हैं, वो मेरी इस वीडियो से दूर रहें। अंत में मैं यही बोलूंगा कि सही को सही भी बोलो और गलत को गलत भी बोलने का दम रखो। साथियों, सही गलत का अंतर समझो। जब झूठ फैलता है ना, तो वो 1000 लोगों तक, सपोज एक बात मान लो कि 1000 लोगों तक कोई बात पहुंच गई और वो झूठ है, और बाद में उसका क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो आ गई या फिर कोई बात आ गई जिससे पता लग गया कि भाई वो जो बात थी वो झूठ थी, लेकिन वो 1000 तक नहीं पहुंची, वो सिर्फ 100 जनों तक पहुंची, तो 900 लोग तो झूठ में ही रह जाएंगे। तो सही सही और गलत गलत चीजों को समझो, अंतर समझो इन दोनों के बीच का, सत्य और झूठ में फर्क करना सीखो। और सबसे इम्पोर्टेंट, हरिद्वार शहर की जो आजकल एक न्यूज़ पोर्टल चल रहा है सबसे तेज प्रधान टाइम, आपने जो है वो वीडियो आपने चला दी और आपने खबर चला दी, लेकिन उसकी सत्यता तो आपने लोगों तक पहुंचाई नहीं, उसमें आप सबसे तेज की बजाय सबसे पीछे रह गए। तो आप भी थोड़ा पत्रकारिता की गरिमा को समझो और लोगों तक सच पहुंचाओ, ताकि लोग सच और झूठ में फर्क कर सकें, और ऐसा काम ना करो। और अंत में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा साथियों, एक लाइन है, दो तीन लाइन है, उन लाइनों को आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया है। मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। फर्क समझो। जय श्री राम।